अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। संडे का दिन है, आई होप आप सब अपना ख्याल रख रहे हैं। आई होप आप सब अभी भी अपने हेल्थ के रेगुलर चेकअप्स करवा रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट शुगर एंड हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन लास्ट वीक, एंड शिफाम एंड वन हेल्थ लैब ने कोलैबोरेट करके बहुत सारे आप लोगों के लिए डिस्काउंट्स अवेलेबल बनाए। तो डू विजिट आवर वेबसाइट shifamcares.com एंड फेसबुक ऐप, द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। अपनी हेल्थ को अपनी मुट्ठी में लीजिए और ज़्यादा शानदार बनाइए। वर्जिश कीजिए, अच्छा खाइए, एंड शिफाम आपके लिए बहुत सारे अवेयरनेस सेशंस लाता है ताकि आप घर बैठे और जानकारी रख सकें और मालूमात हासिल कर सकें। एंड टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर मोहम्मद तोफेल। ही इज़ अ यूरोलॉजिस्ट एंड ही इज़ आल्सो अ जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन, सॉरी अबाउट दैट। लेकिन आज जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अवेयरनेस के हवाले से, वो है मेंस हेल्थ, आदमियों की हेल्थ। एंड जहाँ पे हम औरतों, ख्वातीन की रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और हेल्थी जर्नीज के बारे में बातचीत करते रहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अज़हर, जहाँ जहाँ पे हम इतना हाईलाइट करते हैं और स्पॉटलाइट में लाते हैं ख्वातीन की हेल्थ केयर, मेंस हेल्थ केयर इज एज इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स टेक डॉक्टर तफेल विद अस लाइव एंड वी आर गोना डिस्कस व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टुडेज मैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तफेल, जी वालेकुम अस्सलाम। आज थैंक यू सो जी मच आप राबिया, हमारे साथ हैं। एंड डॉक्टर तफेल, आई जस्ट इंट्रोड्यूस्ड यू एज अ यूरोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, प्लीज अपना थोड़ा सा तारुफ बताइए। जी मैंने बीबीएस किया था डॉ से, और फिर मेरी ट्रेनिंग यूके में हुई थी। मैंने फारसीएस किया और पाकिस्तान में 94 से मैं दोबारा आकर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इस फील्ड में अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं। मैं जनरल सर्जरी, जैसे आपने कहा, वो करता हूँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करता हूँ और यूरोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर तफेल, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर तफेल, अगर हम मर्दाना हेल्थ के बारे में बात करें, जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ एंड माशरे में वैसे अगर जनरल कंसेंसस लिया जाए तो ओवरलुक होती है, मर्द हजरात अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, वाई डू यू थिंक दैट हैपन्स? एज अ प्रैक्टिशनर, वाई डू यू थिंक दैट हैपन्स? देखें, हमारी जैसे एक सोसाइटी में अभी तक भी बहुत कॉमन यही है कि मर्द जो है वो काम करेगा और वो घर से बाहर जाएगा और वही कमाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, तो वो, और फिर जिस तरह के हमारे सोशो इकोनॉमिक हालात हैं मुल्क के, आज ही मैं अखबार में भी ये देख रहा था कि बच्चे होते हैं लड़के, जब तब से वो बेचारे कामकाज में लग जाते हैं, और वो उसमें जब लग जाते हैं तो वो अपने आप को इग्नोर कर देते हैं और अपनी, खास तौर से अपनी हेल्थ को। तो एक रीज़न ये है, और फिर दूसरे जो हमारे यहाँ का जो एजुकेशन लेवल है, तो एजुकेशन भी नहीं होती, अवेयरनेस भी नहीं होती, और तो ये दो रीज़न्स हैं मेरा ख्याल में कि एक तो अवेयरनेस कम होना और दूसरा लैक ऑफ एजुकेशन है, और तीसरा क्योंकि हमारी सोसाइटी में मर्द का रोल कुछ ऐसा है कि उसके पास, बेचारे के पास अपने लिए टाइम निकलता नहीं, और अगर निकलता है तो उसको अवेयरनेस नहीं होती। तो मैं, हमें ये फैक्टर्स तो ये हैं, तो हम कम से कम अवेयरनेस तो फैला सकते हैं, बता तो सकते हैं, एब्सोल्युटली, इम्पोर्टेंस हाईलाइट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एज ए यूरोलॉजिस्ट, मोस्ट ऑफ जो हमारी डिस्कशंस रही हैं प्रीवियस डॉक्टर्स से, प्रीवियस सर्जन से, मुद्दा यहीं पे आके रुकता है कि अपनी अर्ली इंटरवेंशन, अपने कंप्लीट टेस्ट कराते रहें, अपने चेकअप्स कराते रहें। एज अ पाकिस्तानी सोसाइटी एंड जो हमारे माशरे के अंदर शेम और टैबू लगता है इंटरनल हेल्थ केयर के साथ, तो जहाँ पे खवातीन हु हैव टू गो फॉर इंटरनल चेकअप्स, मर्द हजरात डू दे कम इन टू क्लिनिक्स अपने
इंटरनल हेल्थ चेकअप्स के लिए एज अ यूरोलॉजिस्ट? देखिए, हमारे पास तो हेल्थ का जो अभी तक सिस्टम है वो यही है कि जब कोई तकलीफ होती है तब ही डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन इनफैक्ट ये भी सही नहीं है। तकलीफ होती है तो पहले तो इंतज़ार किया जाता है कि ठीक हो जाए, फिर टोटके आजमाए जाते हैं, फिर पीर फकीर के पास जाया जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो एक तो हमारे पास अभी हेल्थ का सिस्टम ये बना हुआ है, और कहीं पर भी जो है आप दुनिया में देखें कि हेल्थ का सिस्टम बीमार हो के उसका इलाज कराना, ये तो बहुत कॉस्टली अफेयर है। कॉस्ट इफेक्टिव भी ये है और वैसे भी सूटेबल भी ये है कि बीमार होने से बचा जाए, और अगर हम अपनी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों का ख्याल रखने लगें तो मेरा ख्याल में आदमी बीमार कम होगा, और वही जो है ना वो मुल्क और कौमों के लिए बेहतर होता है कि तंदुरुस्त कौम को हॉस्पिटल की ज़रूरत कम पड़े और आप अपना ख्याल रखें जिसका था हो। तो मेरा ख्याल में हेल्थ मर्दों की हेल्थ के लिए जो एक ख़ास एज के बाद, तो ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि 30 साल के बाद तो अपने रेगुलर कुछ टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए, जैसे आपने कहा है जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। हमारे मुल्क में तो कंट्री लेवल पे तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि ज़रूरी स्क्रीनिंग कोई कराई जाए, लेकिन बहरहाल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। कुछ कैंसर्स की भी स्क्रीनिंग होती है हमारे यहाँ, जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर के मर्ज जो है, चाहे जो कि औरतों में मर्दों में बराबर है, तो उसकी भी स्क्रीनिंग की जा सकती है ना। तो बिल्कुल स्क्रीनिंग 30 साल के बाद रेगुलर होनी चाहिए, और अगर कोई भी आपको अपनी हेल्थ में आपको कोई चीज़ चेंज नज़र आती है, चाहे आपका वो वज़न हो या आपके भूख लगने का अमल हो या हाजमे का अमल हो या नींद का अमल हो, नींद भी सही नहीं आ रही है, तो मेरे ख्याल में एक कंसल्ट ज़रूर बनता है कि आप डॉक्टर से कराएं। तो एक तो ये कि रेगुलर चेकअप्स ज़रूर होने चाहिए जो स्क्रीनिंग के हैं, तीसरा ये कि हेल्दी लाइफ स्टाइल जिसका जो तो मर्दों औरतों दोनों पे लागू होता है कि आप अपने जैसे हेल्थ के 3 एस्पेक्ट होते हैं ना, अगर हम देखें तो एक फिज़िकल एस्पेक्ट हुआ जिस्मानी हेल्थ, एक मेंटल एस्पेक्ट हुआ जो आपकी जहनी हेल्थ होती है, और डेफिनेटली मर्द औरतों में दोनों में एक पार्ट होता है आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी होती है। तो इन तीनों चीज़ों का अगर ख्याल रखें तो जो कॉमन चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा कि हर इंसान को होना चाहिए, वो ये कि अपने खाने पीने का जैसा ख्याल रखना चाहिए। हेल्दी डाइट की बात हम करते हैं, अब हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं उसको अगर मेजर करना हो तो आप इससे उसका एक मेजर तो ये कि आप अपने वज़न को देखें, जो BMI हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि वेयर डू यू फॉल इन BMI। BMI मीन्स जैसे कि है बॉडी मास इंडेक्स, तो बॉडी मास इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है आपका जो वज़न है किलोग्राम में, उसको डिवाइड बाई योर हाइट इंटू द मीटर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, लेकिन अब तो उसके कैलकुलेटर भी हैं। और अगर उसका रिजल्ट आप समझते हैं कि यू आर अ हेल्दी पर्सन, तो आपका BMI शुड फॉल बिटवीन 18.5 to 24.9, ऐसा कुछ है जी। तो अगर आप उससे बियॉन्ड हैं, नीचे हैं तो भी सही नहीं है, ऊपर हैं तो भी सही नहीं है, तो एक तो आपका मेजर आप सही खा रहे हैं नहीं तो उसका अंदाज़ा आपके BMI से बनता है। दूसरा आपका वेस्ट और आपके हिप का रेशो जो होता है ना, वो भी देखा जाता है। तो आप हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज रेगुलर होनी चाहिए, जैसा कि हम कहते हैं कि अगर 30 मिनट की वॉक इंसान 5 दिन भी एक हफ्ते में अगर कर पाता है, 4 से 5 दिन भी, तो दैट्स अ गुड हैबिट। और अपने टेस्ट करें डॉक्टर तफेल, एज अ यूरोलॉजिस्ट अगर हम आम आवाम को जो इस वक्त देख रही है और जो बाद में और अगले एक हफ्ते में देखती रहेगी, अगर उनको समझाना चाहें कि यूरोलॉजिस्ट होता क्या है? देखें, यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो गुर्दे
और मसाने और इनके अमराज का सर्जन होता है। ठीक है, तो जो किडनीज या किडनीज की जो ट्यूब्स होती हैं या जो ब्लैडर होता है, जो मसाना होता है जिसमें हमारा पेशाब जमा होता है, तो उनसे रिलेटेड और प्रोस्टेट और पेशाब की नाली, तो जहाँ से पेशाब बनना शुरू होता है बॉडी में और जहाँ से वो एग्जिट होता है, इस पूरे रास्ते की जो भी बीमारी हो और अगर उसमें कोई सर्जिकल इनपुट चाहिए तो वो यूरोलॉजिस्ट देता है, और उसकी जो मेडिकल साइड होती है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, जो मेडिकल साइड देखता है। बिल्कुल, एज ए यूरोलॉजिस्ट हमारे हमारे अगर हम इसको थोड़ा छोटा कर लें, प्रोविंशियल लेवल पे ले आएं या सिटी लेवल पे ले आएं या इवन मास लाइक नंबर्स में देखें, तो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डिजीजेस जिनके साथ पेशेंट्स या क्लाइंट्स आपके पास रेगुलरली आते हैं? देखें, यूरोलॉजिस्ट के पास जो कॉमन चीज़ें हैं जिस पे लोग आते हैं, वो हमारे पास आते हैं इन्फेक्शंस के साथ और स्टोन्स के, पत्थरी की जो शिकायत है उसके साथ आते हैं, और एक ख़ास एज के बाद प्रोस्टेट की शिकायत है उसके लिए आते हैं। तो हमारे पास जो यूरोलॉजिस्ट के पास ज़्यादातर जो कॉमन केसेस होते हैं वो पत्थरी से रिलेटेड होते हैं, दूसरे प्रोस्टेट की वजह से होते हैं, और फिर रेयर केसेस होते हैं जो कैंसर वगैरह के होते हैं। एंड डॉक्टर जुफैल, हम जब इनिशियली बात कर रहे थे तो आपने जैसे क्या बताया कि फिजिकल हेल्थ, जहनी हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ, जहाँ पे सेक्स का लफ्ज़ ही इतना बड़ा शर्मनाक और टैबू शुदा वर्ड है, और हम जहाँ पे जी अवेयरनेस अवेयरनेस फैलाने की और अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं, अपने यंगस्टर्स को बताने की कोशिश करते हैं कि बीइंग अपने सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानकारी रखना कि क्या हेल्दी है क्या जी नहीं है, इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन जहाँ दुनिया भर में मैंडेटरी होते हैं, अब पाकिस्तान में भी कुछ इदारे हैं जो ये अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं, लेकिन एज ए यूरोलॉजिस्ट हु सीज इन्फेक्शंस लार्जली, व्हाट इज द एज फॉर अ यंग मेल एडल्ट दो ही शुड कम एंड गेट हिज चेकअप डन और हैव दैट सर्टन अवेयरनेस कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आई शुड बी केयरफुल कि ये चीज़ें ना हो? देखें, ये हम मैं मेरा तो ख्याल ये है कि जो नुकसान हमारी कम्युनिटी में एक हो रहा है कि ख़ासतौर से हम जब मेंस की बात करते हैं, तो जो यंग बच्चे हैं जिनको यही नहीं पता होता बेचारों को कि नॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या हैं, और वो फिर बहुत एक्सप्लॉइट होते हैं कि यानी वो जो नॉर्मल डेवलपमेंट है उसको कोई चेंज है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, चेंज आएगा आपकी, पहले अगर दाढ़ी मूछनी थी तो वो भी आएगा ना आपके जिस्म में, और बहुत सारी जगह पे जो बाल उगने वो उगेंगे, आपके ऑर्गन्स की एक डेवलपमेंट होती है वो होती है। तो जब ये चेंजेस आते हैं तो वो जिसके लिए नया चेंज होता है, फर्स्ट टाइम चेंज होता है, तो वो तो बेचारा समझता है कि क्या हुआ ये, उसको यही नहीं पता होता कि ये बीमारी है या नॉर्मल चेंज है, और वो बेचारा इधर उधर भटकता है, उसमें कोई क्वैक्स बैठे हैं, कोई तावीज़ घंटे वाले बैठे हैं, लोग एक्सप्लॉइट भी होते हैं। तो ये एजुकेशन तो स्कूल लेवल पे होनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि ये हो, ताकि उसके हिसाब से जो हमारे ग्रोइंग चिल्ड्रन्स हैं या जो बच्चे हैं वो अपना ख्याल भी रख सकें और उसके बारे में समझ सकें। इसलिए कि ये प्रॉब्लम्स तो बहुत होते हैं, और जाहिर बात है कि एक बच्चा एडल्ट होना शुरू हो जाता है 10 साल के बाद, 11 साल की एज में उसमें चेंजेस, बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो अभी तो ये जिम्मेदारी कुछ माँ बाप की ही रह गई है अभी इस वक्त, तो कि माँ बाप ने अगर कोई चेंज नोट किया नहीं किया उनके हिसाब से सही है या नहीं है, और माँ बाप भी जब हमारे पास ऐसे बच्चों को लाते हैं तो अक्सर वो भी बच्चों को डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे होते हैं। तो बच्चे, तो मेरा ख्याल में कि इसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि किस तरह सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या क्या किस स्टेज के साथ क्या चेंजेस आएंगी, और क्या चेंजेस नॉर्मल हैं और क्या एबनॉर्मल है। आपको यही नहीं पता होगा नॉर्मल एबनॉर्मल क्या है, तो आप तो नॉर्मल चीज़ के लिए भी डॉक्टर के पास जाओगे और एबनॉर्मल के लिए ना भी जाओगे, ये होता है।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एंड आई थिंक दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न जो हम माँ बाप या पेरेंटल अवेयरनेस के लिए भी लाना चाह रहे हैं कि 10-11 साल के बाद आप अपने बेटे की, एंड वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मेल जेंडर आज, क्योंकि एक थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया जाता है वे ख्वातीन आर एक्सपीरियंसिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एंड प्यूबर्टी, तो आदमियों का नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि दे विल नो एवरीथिंग. तो अगर आप खुद एज माँ बाप या पेरेंट्स नहीं डिस्कस कर पाते अपने बच्चों के साथ, तो प्लीज़ उनको एक प्रोफेशनल के पास लेके जाएं ताकि वो उनसे डिस्कस कर सकें, उनको बता सकें और उनको सिखा सकें एट टाइम्स. एंड डॉक्टर तुफैल, ये हमारी कॉन्वर्सेशन पिछले 1.5 साल से चल रही है कि एज डॉक्टर्स आपका काम सिर्फ कंसल्टेंसी का नहीं रह जाता, यू सर्व एज काउंसलर्स ऑल्सो, क्योंकि इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, इतनी इलिटरेसी होती है कि फर्स्ट टाइम पेशेंट्स या रेगुलर विजिटिंग पेशेंट्स के साथ भी आप काउंसलर्स का रोल भी अदा कर रहे होते हैं. जी बिल्कुल सही है. और ये स्किल्स डॉक्टर्स को, ये भी स्किल डॉक्टर्स को भी सिखाने की ज़रूरत है ना कि भाई वन हैज़ टू बी अ गुड काउंसलर. तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है. जब हम बात कर रहे थे अबाउट, आपने कहा कि 30 साल मर्द या मेल को आफ्टर 30 अपने रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए कि कोई भी डेवलपमेंट हो, कोई जेनेटिक कोमॉर्बिडिटीज हो, अंडरलाइंग कोमॉर्बिडिटीज हो जिनको आप वेरीफाई कर सकें. तो जो अगर हम बताना चाहें कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो व्हाट टू एक्सपेक्ट. देखिए जैसे मैंने कहा कि पहले तो जैसे मैंने कहा कि 30 साल बाद टेस्ट होने चाहिए. हर बंदे को अपनी थोड़ा बहुत नॉलेज उनको अपनी फैमिली की भी होनी चाहिए. फैमिली बैकग्राउंड इज़ सो इम्पोर्टेंट कि कितनी बीमारियां होती हैं जो कि फैमिली में चलती हैं, जैसे हार्ट अटैक की बीमारी हो गई या कैंसर वगैरह की बीमारी हो गई. इसी तरह अगर यूरोलॉजी की हम बात करें तो स्टोन की बीमारी है, पत्थरी की बीमारी है, ख़ानदानों में ये चलती हैं. तो अगर आपको पता हो तो आपकी स्क्रीनिंग पहले से हो सकती है. जहाँ तक बात आई कि यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं, तो हमारे पास जैसे आम तौर पर लोगों की जो स्क्रीनिंग, हमारे पास जो स्क्रीनिंग के लिए जो आते हैं वो ज़्यादातर स्क्रीनिंग के लिए तो नहीं है. जो लोग आते हैं वो जैसे मैंने बोला वो तो कंप्लेंट के बाद ही आते हैं कि अगर हमारे पास आता है मरीज के जिसको कोई पथरी की शिकायत होती है, या से फॉर एग्जांपल एक एज के बाद 50 साल के बाद या 55 साल के बाद लोगों का प्रोस्टेट की शिकायत होती है, प्रोस्टेट की वजह से पेशाब की तकलीफ होने लगती है, बार बार आता है, थोड़ा कंट्रोल का इशू होता है, थोड़ा रुकता है, तो जब हमारे पास आता है तो हम जाहिर बात है कि मरीज से पहले तो सारे सवाल पूछते हैं, उनसे एक हिस्ट्री, डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं और फिर उसका मुआयना करते हैं. और ज़ाहरी बात है कि यूरोलॉजिस्ट हैं और हमारा जितना भी ताल्लुक है वो गुर्दे मसाने से भी है. और ज़ाहरी बात है कि मेल की अगर बात करते हैं तो उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो भी इस मुआयने का हिस्सा होते हैं. तो लोग इसमें रिलक्टेंस भी होती है, लोगों को अजीब सा भी लगता है, तो हम समझाते हैं कि भाई देखें मुआयना तो ज़रूरी है. तो व्हेन यू कम टू अ यूरोलॉजिस्ट इस बात को जहन में रखें कि आपका मुआयना होगा, और वो मुआयना जब तक होगा नहीं सही तरीके से तो पता भी नहीं चलता. इसी तरह अगर हम प्रोस्टेट का मुआयना करते हैं किसी का, तो वो हमें रेक्टम के थ्रू यानी पाखाने की जगह के थ्रू हमें मुआयना करना पड़ता है. और अगर हम मुआयना ना करें तो फिर हम सही डायग्नोज नहीं कर सकते. तो जो हमारे पास आए यूरोलॉजिस्ट के पास जाए तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि करना चाहिए कि उससे सवाल पूछे जाएंगे, उनसे उनकी सेक्सुअल लाइफ के भी सवाल पूछे जाते हैं, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में भी पूछते हैं. इसलिए कि हमारे पास जब आता है बंदा तो उसमें STDs जिसको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, वो भी हो सकती हैं और होती हैं, नॉट अनकॉमन हैं, यंग लोगों में बहुत हैं. और उसकी भी रीज़न जैसे मैंने कहा कि अवेयरनेस ही नहीं है कि जो आपकी सेक्सुअल डेवलपमेंट है तो उसमें आप अपनी लाइफ को या अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करें.
अपनी जाहिर बात है इंसान की लाइफ में जो चेंजेस आते हैं वन हैज़ टू एडजस्ट टू दोज चेंजेस, तो आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे, तो इसलिए लोग गलती भी कर जाते हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो हम ज़रूर उनसे सेक्सुअल हिस्ट्री लेते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि जब हम ये हिस्ट्री लें तो पेशेंट की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए उससे बिल्कुल अकेले में ये बात पूछें सबके सामने। हम जाहिर पता नहीं पूछ सकते, यंग लड़के होंगे तो माँ बाप के सामने तो हम नहीं पूछेंगे, तो माँ बाप को भी ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हम उनको बाहर भेज के उनके बच्चों से कुछ सवाल पूछेंगे। तो वो कुछ माँ बाप बड़े वो होते हैं कंजर्वेटिव समझिए, परेशान हो जाते या हैं। कि वो परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई ऐसा आप ही के बच्चों की बेहतरी के लिए हो रहा है, और बहरहाल तो जैसे हमारे पास आएगा तो हम उसका हिस्ट्री लेंगे और मुआयना करेंगे, और इसके बाद अगर कोई ज़रूरत होती है तो कुछ टेस्ट भेजते हैं। तो हम एब्सोल्युटली, ये सिलसिला होता है हमारे पास। बिल्कुल। एंड थैंक यू, क्योंकि आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया कि इंटरनल चेकअप जो अगेन नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि मर्द हजरात को इंटरनल चेकअप की ज़रूरत नहीं है, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। जब हम बात करते हैं अबाउट प्रोस्टेट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एसटीडीज, जैसे आपने बताया, ये सारी चीज़ें हैं एंड लाइक यू सेड दे आर नॉट अनकॉमन एंड दे यू शुड बी स्क्रीन्ड फॉर इट। पाकिस्तानी मेल क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपने बोला कि आपने बताया कि फिजिकली एक्टिव रहना 30 मिनट्स फॉर फाइव पर एवरी 5 डेज इन अ वीक, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल से हट के रहना, और कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो परहैप्स प्रोस्टेट को या प्रोस्टेट कैंसर की तरफ मर्द हजरात को धकेलते हैं? देखें प्रोस्ट कैंसर में अगेन आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर है तो आपको ज़्यादा कॉशन करना पड़ता है, और प्रोस्टेट कैंसर के और को बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स ऐसे नहीं है जो आइडेंटिफाई हुए हों, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि एक एज के बाद अगर स्क्रीनिंग होती है रेगुलर तो एक टेस्ट होता है प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग का, तो बहुत सिंपल सा ब्लड का टेस्ट होता है, PSA कहलाता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, उसको मॉनिटर किया जाता है, और अगर उसका लेवल कोई रेज होता है तो फिर उसका आगे टेस्ट होते हैं जिसमें बायोप्सी, MRI वगैरह ये होते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर की तो स्क्रीनिंग होती है और बहुत आसान है उसकी स्क्रीनिंग करना, कोई ऐसे चीज़ें नहीं है जो पेशेंट को धकेलती हों, तो ऐसे तो कोई फैक्टर्स आइडेंटिफाई नहीं हुए। लेकिन अगर हाँ, अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है या आपको यूरिन पेशाब में वो खून आता है और सिम्टम्स हैं, तो जैसे मैंने बोला कोई भी अलामत हो तो वो आप ज़रूर चेक कर लें। राइट डॉक्टर तोफैल, रिमूविंग कमिंग अवे फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर और एनी कैंसरस एलिमेंट्स, लेकिन अगर हम सिर्फ प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, और अगर हम आगाही देना चाहें कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनको आप नज़रअंदाज मत करें, यू हैड मेंशनड बर्निंग ऑफ यूरिन या यूरिन इन्फेक्शन, या ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो मेन इन जनरल को नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए, एंड इवन इफ इट कम्स अप वो बिल्कुल उसको लेट तक नहीं लेके जाएं, मतलब कि डू नॉट एक्सपीरियंस एंड स्ट्रगल विद इट, लेकिन अर्ली फर्स्ट फ्यू डेज ही के अंदर अपना आके चेकअप कराएं, तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो यू वुड से कि दीज आर द सिम्टम्स दैट यू शुड विजिट द डॉक्टर? देखिए हम अपने आप को स्पेसिफिक कर रहे हैं यूरोलॉजी से रिलेटेड, तो जी उसमें मैं आपको बताऊं। पहले तो ये बिल्कुल प्रोस्टेट का मैं ज़रा बता दूं कि प्रोस्टेट हर मर्द में होता है, ठीक है, पैदाइशी तौर पे होता है, ये नहीं होती है प्रोस्टेट, लोग कहते हैं मुझे प्रोस्टेट की बीमारी होगी, तो प्रोस्टेट बीमारी का नाम नहीं, प्रोस्टेट तो वो दूध है जो कि होता है, और जैसे कि एज के साथ हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स ग्रो करते हैं तो प्रोस्टेट भी ग्रो करता है, तो ये भी नॉर्मल है। बोलते हैं कि मेरा प्रोस्टेट का वजन बढ़ गया है, तो प्रोस्टेट का वजन एज के साथ बढ़ता है, नॉर्मली वो 18 ग्राम का होता है, और एज के बाद मतलब 30 साल के बाद वो बढ़ना ऐसा ऐसा शुरू होता है। तो प्रोस्टेट का होना कोई बीमारी नहीं है, प्रोस्टेट का बढ़ना भी कोई बीमारी नहीं है,
पहली बात प्रोस्टेट जो अलामत शुरू करता है वो ये होती हैं कि पेशाब आना बार बार शुरू हो जाता है, पेशाब पे कंट्रोल थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी पेशाब रोकने में दुश्वारी होती है। तीसरा ये होता है कि पेशाब की स्पीड स्लो हो जाती है, रातों को उठना पड़ता है, तो ये तो प्रोस्टेट की आम अलामत है। और अब इतनी अच्छी दवाएं आ गई हैं कि अगर 10 लोगों को समझें कि प्रोस्टेट की शिकायत होती है, इसकी अलामत होती है बढ़ने की, तो 8-9 लोग दवाओं से कंट्रोल हो जाते हैं। अगर बहुत कम होते हैं जिनकी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, 10%। जहाँ तक अलामत का, तो अगर ये अलामत आपके पास आती हैं और आप अर्ली रुजू करेंगे तो आपका अर्ली इलाज हो जाएगा। लेकिन एक खास पेशाब के जरिए से एक अलामत की, अगर पेशाब में खून कभी भी नजर आया, जी ब्लड नजर आए ना, तो वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है। तो पेशाब में अगर खून कभी भी नजर आए या आपके कोई टेस्ट हुए हैं किसी और बीमारी के लिए टेस्ट हुए और उन टेस्टों में भी अगर ब्लड सेल्स नजर आते हैं यूरिन में, तो उसको जरूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। इसलिए कि पेशाब में खून आना तो किसी एबनॉर्मलिटी की ही अलामत होती है। तो जो एक साइन मैंने आपने कहा था, वन डेंजरस साइन, तो वन तो है ये खून आना, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका नॉर्मल हैबिट चेंज हो रहा है, आप पेशाब 2-3 बार दिन में करते थे, आप 10 बार करना शुरू हो गए, तो भी चेकअप होना चाहिए। कहीं दर्द हो रहा हो पेशाब करते हुए आपको, तो भी चेकअप करना चाहिए। आपको लगता है कि पेशाब करने के बाद मैं सेटिस्फाई नहीं महसूस कर रहा हूँ, कि पूरा हुआ नहीं है, तो भी आप कांटेक्ट करें। तो ये अलामत हैं एंड इज यूरोलॉजी इट के ओनली बारे स्पेसिफिक यूरोलॉजिस्ट के हिसाब से, इज इट ओनली स्पेसिफिक टू यूरिन, या आप सीमन का भी वेरिएबिलिटी या उसके अंदर ब्लड आना उसको भी कंसिडर करते हैं? में। देखें, ब्लड तो कहीं से भी आएगा तो एबनॉर्मल है। अब सीमन जी में ब्लड नोट नॉर्मली करना इतना आसान नहीं है जितना यूरिन में होता है। तो हाँ फिर सर, भी अगर सीमन में भी, जैसे आपने कहा, सीमन में भी अगर ब्लड आता है तो इसको ज़रूर चेक करवाना चाहिए और इसको फिर टेस्ट वेस्ट होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। एब्सोल्युटली डॉक्टर जफेल, हमने इतनी सारी चीज़ों की बात की, जहाँ पे हम यंग प्रैक्टिशनर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बडिंग यूरोलॉजिस्ट जो इस वक्त मेडिकल स्कूल्स में भर्ती हैं या अपनी रेजिडेंसीज कर रहे हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर विद देम एज विजडम और एज वर्ड्स फॉर इनकरेजमेंट? देखें, एक तो ये कि अच्छी बात है कि हमारे यहाँ यूरोलॉजिस्ट अब फीमेल भी आने लगी हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मेरा एक एडवाइस ये है कि हिस्ट्री बहुत अच्छी लें, मरीज से पहले सवाल जवाब अच्छे कर लें, उससे आपको आइडिया होगा। और जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है उसमें आप कोई कॉर्नर कट ना करें। जो मुआयना करना है पेट का या इंटरनल, मेल है और उसको फीमेल पेशेंट है और फीमेल डॉक्टर है और मेल पेशेंट है, अगर ये बैरियर है तो फिर अगर मैं मेल हूँ और मैं फीमेल पेशेंट को मुआयना नहीं कर सकता हूँ, तो फिर मैं देखूँ ना, फिर मैं बोलूँ कि मैं नहीं देखता हूँ, आप फीमेल को दिखाएं। लेकिन अगर आपने देखना है तो फिर आपने मुआयना भी करना है, अदरवाइज आप सही डायग्नोज नहीं कर सकते। और फिर जो है कि ये प्रैक्टिस उसूलन सही नहीं है, यानी फिर जिस चीज़ के लिए मरीज आ रहे हैं हम उससे इसका इंसाफ नहीं कर रहे। तो हिस्ट्री एंड एब्सोल्युटली एग्जामिनेशन इस पे ज़रूर फोकस करें। और टेस्ट टेस्ट कराने से पहले, अगर हमारी सोसाइटी पाकिस्तान में है तो हमारी सोसाइटी में हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि मरीज़ ये अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता, क्या इसका कोई चीपर अल्टरनेट अवेलेबल है कि नहीं। और इसके अलावा जब आप उसको इलाज भी बताते हो ना, तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ को हम सारी ऑप्शंस बताएं। से फॉर एग्जांपल, एक पथरी है और उसका 4 तरीके से इलाज हो सकता है, तो वो सब बताना हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि जो मैं करता हूँ मैं उसे वही बताऊँ, वो सही नहीं होगा, वो ऑनेस्टी नहीं होती है। तो यंग लोगों के लिए ये मेरी एडवाइस है कि जो पेशेंट आपके पास आना है वो आएगा और आप ही से कराएगा इलाज,
लेकिन ये तीन चार चीजें जो मैंने कही, इस पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक दैट इज एक आपने बहुत ही जबरदस्त नॉलेज शेयर करी है डॉक्टर तोफेल। अब हम अगर आए पेशेंट या क्लाइंट्स की तरफ जो हिचकिचाते हैं, झिझकते हैं अपना इंटरनल कराने में, अपनी हेल्थ की अवेयरनेस का ख्याल रखने में उनको दिक्कत होती है, उन मर्द हजरात के लिए सम वर्ड्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर। देखें, एक तो मैं कहूँगा कि आप एडवाइस अगर लोग सुन रहे हैं तो मैं ज़रा ये एडवाइस दूं कि लोगों को, जैसे हम यूरोलॉजिस्ट हैं तो सिर्फ यूरिनरी नहीं देखते, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को भी, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को तो ख़ास तौर से हम देखते हैं। अब हमारी सोसाइटी में जो बेचारा, और ये प्रॉब्लम अनकॉमन नहीं है, वेरी कॉमन, जैसे हर किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो भी प्रॉब्लम होते हैं, सिंपल प्रॉब्लम होते हैं और सिंपल उसका सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो जो लोग आते हैं ना, तो वो एग्जामिनेशन की तो बात बात की आती है, वो बेचारे बताना भी पसंद नहीं करते, आते बताने के लिए हैं और वो अपने पता नहीं घर की स्टोरियां बेचारे बता के चले जाते हैं, सारा कुछ बताने के बाद आखिर में आप प्रोब करें तो एक शायद जवाब बोलते हैं कि हाँ असल मसला ये है। तो मैं कहूँगा कि डॉक्टर के पास अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो जाएं, मगर जाएं तो हर चीज़ बताएं, क्या मसला है ज़रूर बताएं, इसलिए कि जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो सिर्फ, इनफैक्ट जो मैरिड लोग हैं तो उनका प्रॉब्लम ओनली नॉट रिलेटेड टू देयर बॉडी, सिर्फ उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके पार्टनर रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं और होते हैं, उनके मेंटल हेल्थ जो है वो उनकी सेक्सुअल हेल्थ पे अफेक्ट कर रही होती है, ये भी होता है, उनकी फिजिकल हेल्थ कर रही होती है, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, स्ट्रेसेस, ये सब कर रहे होते हैं। तो आप जब खुल के बताएंगे नहीं ना, तो आप इलाज नहीं हो सकता। तो पहले तो ये करें कि आप जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर डॉक्टर से खुल के शेयर करें, और फिर मुआयना से अगर हिचकिचाएंगे तो फिर वही बात होगी कि जब पूरा सिस्टम चलेगा ही नहीं तो फिर तो ना प्रॉब्लम सही आइडेंटिफाई होगा ना सही डायग्नोज होगा। तो इंटरनल एग्जामिनेशन इज बिल्कुल कोई बड़ा नहीं होता, बहुत इजी है, बहुत कॉमन है, और उससे मुआयना तो कोई भी कर सकता है, होना चाहिए, तो इससे झिझके नहीं और ये कराएं। डॉक्टर तोफेल, हम अपने सेशन को आज समेटते हुए लास्ट में आई वांट टू, इफ यू लाइक, आई वुड लाइक टू हाईलाइट इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन पाकिस्तानी मेल्स। सदियों से हमारे यहाँ एक टैबू है अराउंड इम्पिटेंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जैसे बहुत चीज़ों में हम कतराते हैं बात करने, हमें जानकारी नहीं होती, वो अवेयरनेस नहीं होती। तो जब, जैसे कि आपने बताया, जब हम डॉक्टर के क्लिनिक में भी जाते हैं मर्द हजरात, तो वो एक्चुअल प्रॉब्लम पे नहीं अराइव करते अनटिल एंड अनलेस डॉक्टर उनसे पूछता है, शायद उसमें भी वो मना कर देते हैं और बोलते हैं सब सही है। इफ़ वी वर टू टेल मैन इन जनरल अबाउट इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट एंड द फिक्सिंग पार्ट और द क्योरिंग पार्ट ऑफ, ताकि ये पहले एक शर्मनाक टैबू ना बने, एक शर्मनाक टॉपिक ना बने, और वो इजीली इसकी ट्रीटमेंट या इसकी अवेयरनेस के बारे में अपने लिए देख सके। देखें, मैं ये बताऊं कि ये नॉट एन अनकॉमन प्रॉब्लम अगर है तो मैं आपको ये बताऊं कि इट्स वेरी ट्रीटेबल प्रॉब्लम, इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे मौजूद हैं, और मैं अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से बता रहा हूँ, और अगर आप लिटरेचर भी उठाएं तो आई थिंक ऑलमोस्ट क्योरेबल भी है, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, पर्सन टू पर्सन जो ऑप्शन सूट होता है वो किया जाता है। तो डिस्कस विद योर डॉक्टर, डोंट हेजिटेट, इट्स अ कॉमन थिंग, बहुत कम लोग हमारे पास आते हैं, कितने घर इस वजह से टूट जाते हैं,
बातें आगे बढ़ जाती हैं, और फिर जो है वो जब आपका सोशल डिजास्टर्स हो जाएं तो फिर वो ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं कि फिर वो बंदा तो चिढ़ जाता है इस चीज़ से। तो भाई इफ़ यू आर इवन गेटिंग मैरिड और आपको कोई स्ट्रेस है तो आप कंसल्ट कर लें। मेरे पास बच्चे आते हैं हमारे पास जो शादी से पहले परेशान होते हैं, तो हम उनको काउंसलिंग करते हैं कि डोंट वरी यू आर, इनको हम काउंसलर देखते हैं, मुआयना करते हैं, फिर बोलते हैं कि यू आर परफेक्ट, दिस इज जस्ट ए स्ट्रेस और यू गो अहेड इफ यू नीड हेल्प। मैं उनको अपना फोन नंबर भी मैं तो दे देता हूँ भाई, मेरा तो हर जगह लिखा होता है भाई, आपको कभी रात को 2 बजे भी एडवाइस चाहिए फोन कर लेना, परेशान ना हो। तो आई थिंक यही चीज़ जो है ना वो आधा तो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे देती है। और यू नो कि इरेक्शन जो है या इरेक्टाइल जो फंक्शन है इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, उसमें आपको इतनी लंबी चेन ऑफ इवेंट्स होती है कि हर कड़ी जो है वो चेन की परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट जगह बैठेगी तो काम हो जाता है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको मतलब एक सिंपल सा खटका हो जाना एक खास टाइम पे कैन यू नो लीड टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कोई बुरी खबर सुन लेना मतलब ये है, तो ये सारी चीज़ें तो आपके बहुत सारे सिंपल सिंपल सी चीज़ें होती हैं और उसके बड़े सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं और बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स इसके अवेलेबल हैं। अब तो कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और हैं अवेलेबल भी, और इसको बिल्कुल, और अगर हम लोग अवेयरनेस पैदा करें, एजुकेट करें, तो मेरा ख्याल में ये मसाइल बहुत बेहतर हो जाएंगे और एक हेल्दी सोसाइटी की तरफ हम चलेंगे इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली एंड अ हेल्दी सोसाइटी जस्ट डजंट मीन कि आप फिजिकली हेल्दी हो, आप सेक्सुअली हेल्दी हो और आप मेंटली हेल्दी मेंटली भी हो, हेल्दी, एंड बिल्कुल एंड इमोशनली हेल्दी भी हो, लाइक डॉक्टर बिल्कुल तुफैल सेड. डॉक्टर तुफैल, आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो हम्बल्ड बाय दिस सेशन, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टॉकिंग टू मैसेस जिनके अंदर ये इतनी इंट्रेंच्ड और इनग्रेन्ड हैं टैबूज एंड शर्मनाक टॉपिक्स, के अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे डॉक्टर्स लाइक यू आर पुटिंग देयर फुट फॉरवर्ड एंड बात करने पे लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, तो आई होप मोर यंग मैन कम इन अपनी सेक्सुअल हेल्थ, अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अपने फिजिकल हेल्थ के लिए वो आए और वो अपने चेकअप्स कराएं. लाइक यू सेड एट द बिगनिंग ऑफ द सेशन कि ज़रूरी नहीं है कि कोई इश्यू हो तो आप फिर डॉक्टर के पास जाएं, गेट योर प्रिलिमिनरीज डन ताकि आप अपनी ज़िंदगी अच्छी और खुशहाल गुजारें. डॉक्टर मोहम्मद तुफैल इज़ विद अस लाइव एट शिफाम राइट नाउ एंड ही इज़ ऑल्सो कंसल्टेंट विद शिफाम. यू कैन रीच हिम थ्रू शिफाम व्हाट्सएप, शिफाम ऐप एंड शिफाम वेबसाइट. डू कंसल्ट हिम, एज यू कैन सी ही इज़ अ वंडरफुल डॉक्टर. थैंक यू सो मच डॉक्टर तुफैल फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स. आज संडे का दिन है. एनी लास्ट वर्ड्स यूड लाइक टू शेयर? मैं यही कहूँगा कि हेल्दी रहना और अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड सेक्सुअली हेल्दी रखना ना सिर्फ हर एक का हक है बल्कि अल्लाह की तरफ से हम पे फर्ज भी है। तो इस बात का ख्याल रखें। थैंक यू। Thank you so much. I hope you all listen and share the awareness जो डॉक्टर तुफैल ने आपसे शेयर की है. And I will catch you next Sunday live with शिफाम. Thank you so much. बहुत बहुत अच्छा और हेल्दी संडे गुजारें. खुदा हाफिज. थैंक यू।